जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को केंद्र करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और वो स्वयं दलित और पिछड़ों के विरोधी रहे हैं और भाजपा के गले मिलने जैसे तमाम चीजें। मौजूदा जो हालात है देश के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सरकार बनाने से, तो मेरा मानना है अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन होना है किसके साथ नहीं होना। मायावती जी कह रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के टाइम पे भी हुआ था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद आशीर्वाद देने का काम किया था। मौजूदा हालात जो देश के हैं आप सब जानते हैं, जिस तरह 100 लगभग 40 से ज्यादा एमपी को सस्पेंड किया गया है, ये कोई आम बात नहीं है लोकतंत्र के। तो मेरा मानना है कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से भाजपा के अगेंस्ट में हमेशा से लड़ी है, हमेशा से मजबूती से लड़ी है, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी सक्षम है जो भाजपा से मजबूती के साथ लड़ सकती है मौजूदा हालात में। सब लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ही परिश्रम करते हैं और अपनी बातों में अडिग रहते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह बीजेपी वाले हम सभी समाजवादियों को डराने की धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सब साथ हैं और हमारी महिलाएं अगर चाहे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता है समाजवादी पार्टी के कोई भी कार्यकर्ता होता। एक मीडिया के लोगों ने मुझसे कहा कि हम हर की भाजपा वाले भाजपा के संगठन वाले गांव गांव रामचरित्र मानस पहुंचाएंगे, तो मैंने बोला अरे गांव गांव जा रहे संगठन वाले तो ठीक है लेकिन सभी को नौकरियां भी तो दे, कितने युवाओं के पास नौकरियां नहीं है, हमारा किसान परेशान है। जी, बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने अखिलेश यादव जी को केंद्र करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में और वो स्वयं दलित और पिछड़ों के विरोधी रहे हैं और भाजपा के गले मिलने जैसे तमाम चीजें। मौजूदा जो हालात है देश के, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की एक ऐसी पार्टी है जो भाजपा को रोक सरकार बनाने से, तो मेरा मानना है अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि इंडिया गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि किसके साथ गठबंधन होना है किसके साथ नहीं होना। मायावती जी कह रहे हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के टाइम पे भी हुआ था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद आशीर्वाद देने का काम किया था। मौजूदा हालात जो देश के हैं आप सब जानते हैं, जिस तरह 100 लगभग 40 से ज्यादा एमपी को सस्पेंड किया गया है, ये कोई आम बात नहीं है लोकतंत्र के। तो मेरा मानना है कि जहां उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमेशा से भाजपा के अगेंस्ट में हमेशा से लड़ी है, हमेशा से मजबूती से लड़ी है, और समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी सक्षम है जो भाजपा से मजबूती के साथ लड़ सकती है मौजूदा हालात में। इंडिया। We'll be right back.